चल तो मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं रहना घर वालों के साथ अपने, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पापा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मैं 18 साल की हो गई हूँ, ठीक है, मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ। पापा को मैं देख लूँगी वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बस तुम तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ भागना है। कहाँ जाओगी भाग कर? कहाँ जाओगी भाग कर? कहीं भी जाऊँ। आप कौन? हाँ भाग रहे हो आप? क्यों? मतलब ऐसे जानना चाहता हूँ मैं अभी, कहाँ भाग रही है? मेरे घर वाले मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने दे रहे हैं तो मैं भाग रही हूँ। कहाँ जाओगी भाग कर? वो हम देख लेंगे, हमें कहाँ जाना है। नाम क्या है आपका? आरती। क्या करती हैं आप? स्टडी में क्या करती हो? 11th में हूँ अभी। तो किसके साथ भाग रही हो? बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड बन गया? हाँ। हो गई पढ़ाई? मुझे नहीं करनी है पढ़ाई। क्या करना है फिर? क्या करना है फिर? मुझे शादी करनी है। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे वो लड़का पसंद है और मुझे उसके साथ ही रहना है। अब मुझे और कहीं नहीं जाना। तो अभी से शादी करके क्या करोगी? मुझे नहीं पढ़ना अब आगे। तो नहीं पढ़ना है तो शादी करके क्या हो जाएगा? क्या करता है लड़का? वो कुछ नहीं करता, गाड़ी चलाता है। तो कहाँ जाओगे भाग के? यहाँ से तो दूर ही जाएंगे। एक्शन किसके ऊपर लोगी? पापा। क्या एक्शन लोगी? 18 साल की हो गई हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ। वो हमारी शादी करवा नहीं रहे, मान ही नहीं रहे हमारे लिए। तो सोचा नहीं कभी कि तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं करवा रहे होंगे, कि तुम अच्छी रहो? अच्छा है लड़का, उन्हें नहीं लग रहा बस। तुम्हारी ये शादी करने की है जय? 18 साल की हो गई हूँ मैं। अब तो 18 साल की हो गई हो तो यही करना है? मतलब जो आपके माता पिताजी ने आपको इतना बड़ा कर दिया, 18 साल की आप हो गई और आप किसी थर्ड आदमी से ऐसे जुड़े हुए हो कि माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो भी तो कहीं शादी करेंगे ही ना, तो मैं अपनी पसंद से कर रही हूँ। अच्छा है लड़का, गलत तो अच्छा लड़का है तो पढ़ लो, अभी 2-4 साल बात कर लेना। मेरा पढ़ने का मन नहीं है। तुमको भी गाड़ी चलाना है क्या? मैं भी गाड़ी चलाऊंगी, वो करेगा ना मेरे लिए सब कुछ। वो सब कर देगा? हाँ। मान लो छोड़ के चला गया तब? नहीं जाएगा। चला गया तो क्या करोगी? नहीं जाएगा, वैसे तो मुझे पता है, मुझे भरोसा है उस पे। कैसे भरोसा है? मुझे है ट्रस्ट उसको, उसने बोला है मुझसे हमेशा साथ रहेगा मेरे। कितने टाइम से जानते हो? 4-5 महीने हुए हैं बस। मतलब 5 महीने में तुम्हें उसे भरोसा हो गया कि तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा? मुझे लगता है ऐसा। लेकिन आपको गलत भी तो लग सकता है ना? वो भी तो अपनी फैमिली को छोड़ रहा है मेरे लिए। उसका क्या, वो छोड़ के घर चला आएगा, आप आएंगी दोबारा? आ जाएंगे दोबारा आप? नहीं। अब मैं जा रही हूँ तो मैं आने के लिए छोड़ी ना जा रही हूँ। तो मान लो वो छोड़ दिया तो क्या करोगी, उस केस में क्या होगा? मुझे नहीं लगता वो छोड़ के जाएगा वैसे। हमको गलत लगता है, यही होने वाला है आपके साथ, वो छोड़ देगा। आपको कैसे पता है? अरे हम जानते हैं ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि छोड़ देगा। मुझे अब उसी के साथ रहना है। मतलब सोच लिया है कब उसी के साथ में रहना है? फैमिली उमली कोई मायने नहीं रखती है। बर्तन धोया है? भीख मांगी है? आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ होने वाला है ये चीज़ें। कभी रोड पे सोई हो? आदत डाल लो, कभी रोड पे सोना पड़ेगा क्योंकि वो छोड़ने वाला है। ऐसा ही होने वाला है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें वो कभी भी छोड़ सकता है? कितनी एज है तुम्हारी? 18 साल की एज है और इतनी समझ नहीं है? इतनी बालक हो, छोड़ देगा रोड पे भीख मांगोगी कटोरा लेकर के? ये जो प्यार का भूत है उतर जाएगा वो? जो अभी सारी चीजें ठीक है ना, वो सब खराब हो जाएंगी। भैया बस आपको ऐसा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, समझ रही हो? आप मुझे जानते हो या उसे जानते हो? तुम्हारा माइंड वॉश हो चुका है पूरी तरीके से। भीख मांगोगी रोड पर, ये जान लो। पर मुझे उस पर यकीन है। अरे यकीन सब भाड़ में चला जाता है। दिल्ली यहाँ क्या करने आई थी? तो पढ़ाई कर लिया? हो गई पढ़ाई कंप्लीट? वहां पर देखो कैमरा लगा है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों भैया? गाइस मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा
इनके माता पिता जी अगर ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग अपनी लड़कियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप यहाँ कहाँ रहती थी? हॉस्टल। जो लोग लड़कियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा आप कंट्रोल रखो। और ये मोबाइल इंटरनेट गलत वे में ले जा रहा है। कैसे मिले थे तुम उस लड़के से? इंस्टा पे। ये आप लोगों को बर्बाद कर देगा। और इनके माता पिता जी जो वीडियो देख रहे हैं, इनका कान मुरेरो और घर पे बिठाओ। इतनी पावरफुल नहीं है ये, चली जाएंगी, वरना कल रोड पर ना सख्ती से पैसा हो इनके साथ में, नहीं तो कल ये रोड पर सोएंगी, भीख मांगेंगी, लोगों के यहाँ जाके बर्तन धुलेंगी। और जो लोग अपनी लड़कियों को भेज करके कूल बनते हैं, कम से कम आप ना दिन में 2 बार कॉल करके कम से कम पूछ तो लो आपकी लड़की क्या कर रही हो। लड़के और लड़कियां दोनों के केस में यही है, इतनी फ्रीडम मत दो इनको, वरना इंटरनेट पर यही करेंगी ये। करो, चलो मैं देखता हूँ कौन सा एक्शन होगी। लो एक्शन। एक्शन का मतलब पता है क्या क्या होता है एक्शन? आपके पिताजी आपको मारते हैं, प्रेशर देते हैं, नहीं देते हैं, तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो? वो छोड़ देगा तुमको? कभी भी छोड़ देगा? रोड पर भीख मांगोगी? समझ में नहीं आ रहा ये बात? अगर यही बात तुमको बहुत टाइम बाद समझ में आती तो क्या करती? गलती हो जाती मुझसे बहुत बड़ी। होती ना? अब अपने पिताजी की बात मानोगी? बिल्कुल। अब ये सब नहीं करोगी? नहीं। और करोगी तो फिर हम तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं से भी। दोबारा कभी गलती नहीं होगी। अभी पढ़ना है ना? और जो लड़कियां ऐसा करती हैं, मैं उनके माता पिताजी से बोलूंगा कान मुरेर के बैठा दो। इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि भाग जाएंगी, वरना ये चली जाएंगी। जिम्मेवार आप भी हैं कहीं ना कहीं। आप कंट्रोल रखो ना, देखो ना आपकी लड़की क्या कर रही है। और लड़के भी हैं, युवा जो आजकल ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, और इनके बॉयफ्रेंड हैं, अगर आप इनके आसपास में दिखाई दी, उनकी एज कितनी है? इनके बॉयफ्रेंड अगर आसपास में कभी दिखाई दिए ना, हम आपको ढूंढ लेंगे। इनके माता पिताजी को बोलना चाहूंगा आप आए दिल्ली और इनको लेकर के जाए, इनकी पढ़ाई हो गई। अब पढ़ूंगी ये नहीं करोगी ना? नहीं। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं हो। अगर हुआ तो? नहीं। हुआ तो क्या होगा फिर? फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, घर पे ही बैठूंगी। और ये वीडियो है मेरे पास, अब मैं ढूंढ भी लूंगा तुमको। गाइज, आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है। आजकल हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो पढ़ाई करने आ रही हैं, वो ऐसे भाग रही हैं इंटरनेट की वजह से। तो थोड़ा सा माता पिताजी से बोलूंगा आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फोन देखकर कूल मत बनाओ, कम से कम खबर भी रखो। आप भी इंटरनेट में मस्त हो, आपका लड़का भी इंटरनेट में मस्त है, तब तो हो गया। फिर कल रोओगे आप सर पे हाथ रख करके बहुत बुरी तरीके से। मैं नहीं मिलूंगा समझाने के लिए हर किसी को, तो बेहतर है समझ जाओ।